दुकानदार को जिंदा जलाकर मार डाला, चीफ इंजीनियर पर लगा आरोप। बिहार में अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला राज्य के गोपालगंज का है, जहां गंडक परियोजना के कार्यालय में घुसकर बेखौफ बदमाशों ने एक ठेकेदार को जिंदा जला दिया। खबरों की माने तो ठेकेदार भवन निर्माण के बकाए पैसे के भुगतान के लिए चीफ इंजीनियर के पास गया था, लेकिन इंजीनियर ने इसके एवज में रिश्वत की मांग की। टोल प्लाजा पर महिला कर्मी के साथ मारपीट और छेड़छाड़, सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी गिरफ्तार। एक 23 वर्षीय युवक ने गुरुग्राम के टोल प्लाजा पर एक महिला टोल ऑपरेटर पर हमला किया और छेड़छाड़ की। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यह घटना सुबह 11:15 बजे घटी, जब शिकोपुर गांव का निवासी राहुल टोल प्लाजा पार कर रहा था। गैंगरेप पीड़िता की औरंगाबाद के अस्पताल में मौत। बर्थडे के दिन दोस्तों ने मिलकर किया था रेप। जुलाई के पहले हफ्ते में मुंबई में 19 वर्षीय जिस किशोरी के साथ उसके चार दोस्तों ने कथित तौर पर बलात्कार किया था, उसकी मध्य महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के एक सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। कश्मीरी लड़कियों से शादी करना पड़ा महंगा, बिहार के दो युवक हुए गिरफ्तार। बिहार के सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र से जम्मू कश्मीर से कथित तौर पर भगाकर लाई गई दो सगी बहनों को कश्मीर पुलिस ने सुपौल पुलिस की मदद से बरामद किया है। इस सिलसिले में दो युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार युवकों का कहना है कि उन्होंने इन लड़कियों के साथ विवाह किया है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।